हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग गाइस. अभी ना मेरे को एक क्विक अपडेट देना था कि अभी मुझे घर से फोन आ रहे थे इससे पहले, मतलब अभी 8:30 हुए सुबह के, और हमारे गांव में गाइस इतनी बढ़िया वाली बर्फ पड़ी है ना, मतलब बहुत अमेजिंग बर्फ. मैं आप लोगों को एक क्लिप दिखाती हूँ फटाफट से, आप लोग इस क्लिप को देखो कि क्या अमेजिंग बर्फ पड़ी है हमारे गाँव में. और पता है यहाँ शिमला में ना जरा सी बर्फ भी नहीं गिरी है, मतलब ऐसा बड़ा रेयर होता है यार, क्योंकि शिमला बहुत ज्यादा हाइट पे, हमारा गांव इतनी हाइट पे नहीं है. हमारे गांव में अमेजिंग बर्फ पड़ी है और शिमला में जरा भी बर्फ नहीं पड़ी है. और इस टाइम पे मैं सच बता रही हूँ, इतनी याद आ रही है ना गांव की, ऐसा मन कर रहा है कि काश हम गांव में होते. बट यार मम्मी मेरा बता रहे थे कि हाँ बर्फ पड़ी है, तो वहां पे लाइट जा चुकी है शाम से लेकर, बर्फ की वजह से लाइट ही नहीं है. लेकिन कोई बात नहीं, लाइट तो आ ही जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ी देर में लाइट आ ही जाएगी. लेकिन यार जो बर्फ, ओ माय गॉड, मतलब इस टाइम पे जब शिमला में, मतलब अभी कुछ टाइम पहले बर्फ पड़ी थी, तब हम थे नहीं यहाँ पे, तब हम दिल्ली में थे, तो उस टाइम भी बर्फ नहीं देख पाए. मतलब समझ रहे हो, मतलब मेरे अंदर की दुविधा कि यार हम पहाड़ों के होके भी बर्फ नहीं देख पा रहे मैं और मेरे भाई. मतलब इस साल हमने बर्फ नहीं देखी. शिमला के लोगों ने देखी है बर्फ, लेकिन उम्मीद थी कि यहाँ पे भी पड़ेगी, जब गांव में पड़ेगी तो यहाँ पड़नी चाहिए थी. लेकिन क्या हो गया भाई, सारे के सारे बादल मेरे गांव की तरफ चले गए क्या? एंड गाइस, इसके बाद कुछ भी नहीं किया भाई, मैं घर में बहुत ज्यादा बोर हो रहा था, तो मैं घर से बाहर निकल गया ये सोच के कि चलो थोड़ा सा गाड़ी में घूमने के लिए चलते बाहर. एंड भाई साहब, रोड में ऐसा जाम लगा, मुंह के सामने ऐसा ट्रक, पतला सा रास्ता और ऐसा ट्रक जिसके ऊपर पता नहीं कोई ट्रॉला ऐसा टंगा हुआ था. भाई साहब बहुत ही ज्यादा लेट हो गए थे. एंड उसके बाद गाइस क्या हुआ पता नहीं, ऐसा अजीब सा मेरी गाड़ी से धुआं जैसा निकलने लगे, मैं डर गया इसको देख के भाई साहब. बट सब कुछ ठीक था, यहाँ पे कुछ ऐसी गड़बड़ नहीं थी. एंड गाइस जब मैं वापस आ रहा था तो इतना ज्यादा अंधेरा हो गया, ऊपर से इतना फॉग मुंह के सामने कि भाई डर लग रहा था यार. ऐसा लग रहा था कि भाई साहब दो की स्पीड में गाड़ी चलानी पड़ेगी, वरना कुछ भी हो सकता है. बहुत ज्यादा डेंजर था भाई ये चीज, इसीलिए मुझे समझ नहीं आ रहा भाई शिमला में मार्च के टाइम पे ऐसा वेदर क्यों है यार. एंड ऑफ कोर्स जो एक्सपेक्टेड था, वापस आते आते भाई बर्फ भी गिर ही गई फाइनली. एंड जैसे जैसे करके घर पहुंचा भीग भाग के, मैं सच बता रहा हूँ. और गाइस, तो आज हमारा सेकंड डे स्टार्ट हो चुका है, तो ये व्लॉग हम लोग दो दिन का कंटिन्यू करने वाले हैं. दीदी ना कल से लेकर है नहीं घर के अंदर, तो भाई साहब कल इतनी ज्यादा बारिश हुई, इतनी बर्फ जैसी गिर गई मार्च के महीने में, ब्रो मैं हो चुका बीमार. तुम लोग मेरी शायद से नाक लाइक तुम लोग मेरी आवाज से चल रहा होगा, बता कि मेरे को ना ऐसे जुकाम जैसा हो गया, बार बार छींक आ रही है. और भाई आज मेरे को हिमलैंड शूट करना था, एंड आज मैं फिर से कोई शूट नहीं कर सकता क्योंकि भाई मेरा सिस्टम खराब है, मेरे को थोड़ा सर भी दर्द हो रहा है. बस अकेला हूँ यहाँ, सारा काम खुद करना पड़ रहा है, खाना भी खुद बनाना पड़ रहा है और थोड़ी बहुत सफाई का ध्यान भी रखना पड़ रहा है. यार मैं तो सोच रहा हूँ मैं सो ही जाऊँ आज पूरा दिन भर, एंड बाकी देखी जाएगी. भाई कल मेरे को हिमलैंड शूट करना ही करना 5 तारीख को, ताकि 6 तारीख को अपलोड हो सके भाई वीडियो. फाइनली 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 देखिएगा इस कौन आए हैं वापस, एक दिन के बाद आइए ये बंदी वापस. पता क्या हो गाइस, इसने ना मेरे को मैसेज किया था कि ना दूध लेके आइयो, दूध दही, और मेरे को तो डर लग रहा था ना कि यार ओ ये भी क्या फालतू का सामान लेके आई है भाई, क्लिपर क्लूपर, ये तो मैंने मंगाया नहीं था. तेरा टेरर देख कितना है, मेरे को लगा ये ना डांटेगा और ये ना रूठ जाएगा मेरे से कि तू दूध लेके क्यों नहीं आई. वो लाया नहीं तूने क्या? लाया, फिर यहाँ ऊपर उतरी टैक्सी से, फिर पैदल आई नीचे स्पेशली. चाय बनानी जरूरी होती है इसीलिए हमको. तेरा टेरर ना फालतू का टेरर है, टेरर होना चाहिए भाई इस टाइप का घर में यार. और क्या क्या लाई अपने लिए? मिनी सो से लाइए, तेरे लिए भी एक क्लचर. ओ सेम क्लचर शेयर करेंगे ये. इसको तो मैं ब्लॉन्डू को लगाऊंगा ऊपर गाय को अपनी, है ना, वो कितनी क्यूट, सोच रहा कितनी क्यूट लगेगी हमारी गाय. स्टोरेज बॉक्स है मेकअप का, और ये फालतू की चीज अपने ब्लॉग में दिखानी है. बोलो ब्लॉग की बात नहीं है, जब हम उस दिन गए थे ना मिनी सो, जब इसके साथ गई थी मैं पहली बार, तो मैं इसको बोलती कि स्टोरेज बॉक्स ले लेते हैं, दिखा दे रहा है किस काम का है ये. इसमें मेरा सामान आएगा ना, मेकअप का सारा सामान. मेकअप का तो क्या मतलब, स्किन केयर का जो मैं यूज करती हूँ वही आ जाएगा. शेल्फ अंदर बनी है, वहाँ पे रखने में शर्म. नहीं 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 यार, वहाँ से गिर जाता है, इसलिए मैं इसे रखूंगी. अब कैसे यही गिर गया पूरा डब्बा यार, इसको तो इसे रखूंगा ना, वो क्यों गिरेगा, मैं कुछ नहीं कर रहा. प्रोडक्ट्स गिर यार, तू मत कर, कांच का है वो टूट जाएगा, सीरियसली टूट जाएगा. और एक क्लचर को मैं पहन के भी आई हूं. और कुछ मैं तुम लोगों का मौसम दिखाता यार, पता नहीं क्या हो गया शिमला में आजकल, मौसम इतना ज़रा खराब है यार. मार्च का महीना चल रहा है, सपोज टू बी गर्मी, बट ना यहाँ पे अभी भी ठंड है भाई, जैकेट पहन के घूम रहा है यार घर में. मैंने पिछले व्लॉग में दिखाया था आपको क्या मस्त बर्फ गिरी घर में, काश हम घर पे होते. अभी हम कुछ दिन घर जाने वाले हैं, परसों घर जा रहे हैं, परसों दो दिन, कल का आखिरी दिन है शिमला में हमारा.
और चार दिन के लिए गाइस गांव में होंगे, तुम लोग अपना पूरा गांव दिखाऊंगा, अपने खेत दिखाऊंगा, नया घर दिखाऊंगा, बहुत मजा आएगा। तगड़ी बर्फ गिरी है ना घर पे, आप लोगों ने क्लिप पे तो देखा है, लेकिन तगड़ी बर्फ गिरी है भाई। बट एक चीज नहीं होनी चाहिए कि हम लोग गांव गए और फिर से बर्फ गिर गई, फिर हम लोग गांव फंस जाएंगे। नहीं नहीं, मौसम विभाग के अनुसार अब बर्फ गिरने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। जो गिरनी थी गिर गई और मस्त वाली गिरी है, यहाँ नहीं गिरी, हम जाएंगे अपने। चलो तो बढ़िया हो गया फिर तो। और गाइस, तो यार अभी दिन के ना 4 बज चुके हैं, 4:11 गाइस फिलहाल को फाइनली मेरा लंच अभी होने वाला है। अब तुम लोग सोचोगे कि इतना सारा टाइम क्यों लग रहा है, पहले तो मैं बुला देता हूँ। दीदी हो गया क्या खाना घर में? जल्दी आ यार भाई, मेरा ना मेरे को ऐसे लग रहा है अभी चक्कर आने वाले, इतनी भूख लग चुकी है मेरे को, क्योंकि सुबह से लेकर कुछ खाया नहीं है। लंच अभी 4 बजे रखी थी गाइस, सुबह से लेकर नहीं है, क्योंकि यार हम लोग शूट कर रहे हैं, हिमलैंड्स की वीडियो शूट कर रहे थे ना, सारा खाना पीना सब भूल जाते हैं भाई हम लोग जब हम लोग हिमलैंड शूट करते हैं। देखो तुम्हारे लिए स्पेशल खाना आया है। ओ आज तो खाने में मशरूम है, दही है, ये है और वो है। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच। बाद में चाय के लिए बोलूंगा, बस एक बार ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। अभी मैं इंस्टाग्राम छेड़ रहा था, मुझे इंस्टाग्राम पे देखो भाई मेरी दीदी ने क्या भेजा है मेरे को गाइस, बिकॉज हम लोगों के 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स हिट हो चुके हैं यूट्यूब पे, हमारे मेन चैनल पे। मेरे को भाई किसी एक फैन ने मिले बनाया 6 मिलियन स्पेशल गाइस, कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है वाला फोटो, देखो तुम लोग यार, ओ माय गॉड। वैसे भी फोटो आई थिंक मैंने 3 या 4 महीने पहले अपलोड करी थी अपने इंस्टाग्राम पे, और बंदे ने क्या चीज बनाई है यार, बहुत ज्यादा बड़े। इस पर मैं लाइक मारने वाला हूँ, बिकॉज बनता है यार, बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड बंदा जो भी है, बिल्कुल सेम बना दिया भाई जैसा मैं उसमें देख रहा था उस फोटो में। मैं तुम लोगों को गाइस असली वाली फोटो दिखाता हूँ, ये रखो ये वाली फोटो तू यहाँ पर क्या कर, एकदम से डरा दिया तूने मेरे को। ये वाली फोटो भाई बंदे ने बनाई ऑलमोस्ट सेम जैसी यार, बहुत ज्यादा होशियार है। प्लस मैं बस एक काम करने वाला हूँ, उसको शाउट आउट देने वाला यार, बनता है जिसको शाउट आउट देना। वैसे भी यार देता ही देता हूँ, पिछले ब्लॉग में बोल रहा था ना शाउट आउट देना था, तो इस बंदे को दे यार, इसने कितनी मेहनत करी है यार, और बहुत अमेजिंग बनाया है, बहुत ज्यादा अमेजिंग। तो दीपांशु पांडे जी को हम देते हैं बहुत बड़ा शाउट आउट, थैंक यू सो मच फॉर क्रिएटिंग दिस अमेजिंग पीस ऑफ आर्ट, बहुत अच्छा ना, बहुत अच्छा, मजा आ गया। मैं बता रही हूँ ओरिजिनल शक्ल से भी अच्छा स्केच लग रहा है, ओरिजिनल शक्ल अच्छी नहीं है लेकिन स्केच बहुत अच्छा है। चलो तारीफ की तो नहीं उसकी, तो अच्छी बात है, बट मेरी मेरी बेइज्जती कर रही है भाई, मुझे क्यों तोड़ा मुझे क्यों तोड़ा, मतलब उसकी तारीफ में मुझे क्यों तोड़ा भाई, कि मुझे क्यों तोड़ा, मैंने क्या किया। एंड गाइस बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम में टैग वगैरह करते रहते, इन्होंने भी बनाया, ये भी काफी प्यारा ऐसा यार, मतलब टू बी ऑनेस्ट काफी प्यारा ऐसा, ये 6 मिलियन के लिए बनाया हुआ है, तो इस पर लाइक देना तो बनता है बॉस, लाइक देना बनता है यार, क्योंकि गाइस मुझे डेली बेसिस पे बहुत सारे लोग टैग करते रहते हैं, तो मैं कैसे हर एक चीज को देख सकता हूँ, तुम लोग खुद सोचो ना यार एक बार, ये लोग सब कुछ है सब कुछ, पिछले कुछ दिनों के अंदर अंदर अभी रिफ्रेश हो रहे थे यहाँ पे, देखना इम्पॉसिबल पड़ गए। जितने भी लोग टैग वगैरह करते हैं स्पेशली टाइम निकाल कर, इतनी मेहनत करते हैं, एडिट्स बनाते हैं, रील्स वगैरह बनाते हैं हमारे से रिलेटेड, यू नो, तो भाई थैंक यू सो मच उन सभी लोगों का दिल से गाइस। एंड मुझे भी थैंक यू बोल, मैंने ही भेजी तुझे रील, समझा? हाँ ये रील इसने भेजी थी मेरे को, तभी मैंने उसको देखा अभी जस्ट यार, तो थैंक यू सो मच यार तेरे को भी, जिसने बनाई है भाई, लव यू मैन, लव यू।